मेरा नाम नाइला यूसुफ है और ये मेरे हस्बैंड हैं और इनका नाम यूसुफ गिल है। हम दोनों की गवाही एक ही है। वो गवाही इस तरह है कि सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम ज़र अफशा है, उसने पढ़ाई जब शुरू की तो उस वक्त कनेड स्कूल में उसको हमने दाखिल करवाया। ये स्टेशन के नज़दीक है। 10 साल हमने बहुत मेहनत की और इस नतीजे पे पहुँचे कि मैट्रिक उसने उधर से पास किया। इसके बाद उसको फर्स्ट ईयर में दाखिल करवाया, उसने सेकंड ईयर FSC में पास की। इसके बाद उसने BSc की और BSc के बाद MPhil किया और MPhil के बाद दरमियान में उसने BA History में किया और MA Political Science में किया। और इस दौरानिया में हमने बहुत मेहनत की। मेहनत कुछ इस तरह की थी कि अगर बेटी ने जाना होता था तो किराया 40 रुपये है तो 40 ही इसको देना है, इससे बढ़ के हम नहीं थे देते। और उसने भी इतनी ताबियादारी की कि 20 आने का होता था, 20 जाने का होता था। इसके बाद जब उसने MPhil किया तो उसने अपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया और खुशी इस बात की हुई कि मुफलसी की हालत में भी उसने इतनी मेहनत की कि उसने कामयाब होकर दिखाया। अब उसकी शादी की बारी थी तो शादी के लिए काफ़ी हमने स्ट्रगल की कि रिश्ता ढूंढें, लेकिन 29 साल की थी जब रिश्ता मिला। तो रिश्ते के दौरान जब हमने हाँ कर दी तो बहुत मुश्किल में थे कि हमारे इतने अखराजात, पैसे कम थे जिसकी वजह से हम नहीं थे कर सकते, लेकिन दुआ मैंने की रात को, बल्कि जब ये कोरोना शुरू हुआ उस वक्त से मैंने दुआ की और अब तक मैं, मेरा ख्याल है 15 दफ़ा अंजील ख़त्म कर चुकी हूँ। और मैंने दुआ में कहा कि हमारी इस तरह से मदद करना खुदावंद कि हमें किसी को देना ना पड़े, हमारे दरवाज़े पे कोई ना आए। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो खुदा ने हमारी इतनी मदद की कि वाकई हमने किसी को कुछ नहीं दिया। और इस तरीके से हमारा प्रोग्राम हुआ कि तमाम जो शादी में शरीक थे कहते थे कि इस किस्म का प्रोग्राम हमने कम ही देखा है। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि उसके बाद हमें फिक्र इस बात की हुई कि इंग्लैंड में उसका रिश्ता किया था, शादी भी उधर ही हुई, लेकिन अब जाने का ये था कि लोग कहते थे कि 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, लेकिन वो 1.5 महीने में, मार्च में उसकी शादी हुई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमने उसका वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो अक्टूबर के एंड में उसका वीज़ा जो है वो लग गया। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि दुआ के ज़रिए कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं हो सकता। तो फिर हमें कामयाबी हुई। अब वो 3 तारीख को जा रही है और हमारी यही गवाही है कि खुदा सबकी मदद करता है सच्चे दिल से जब हम उसके पास आते हैं और अपनी मनाजात उसके सामने पेश करते हैं। ये हम दोनों की एक ही गवाही है।